हे गाइस, वेलकम ऑन नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल में आपकी दोस्त एंड होस्ट नोनी जैन। गेमिंग टॉक्स के इस एपिसोड में आज मैं बात करूंगी गेमिंग से कंसर्न कुछ न्यू लॉन्चेस एंड अपडेट्स के बारे में। गाइस, अगर आपने गेमिंग टॉक्स के हमारे ओल्ड एंड न्यू एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक भी। सबसे पहले बात करूंगी बैटलफील्ड 5 के न्यू पैच के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि कभी भी किसी गेम के अपडेट्स या पैच नोट्स आते हैं वो गेम के बग्स को फिक्स कर देते हैं, बट बैटलफील्ड के साथ कुछ अलग हुआ। उनका अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है उससे और ज़्यादा बग्स शो होने लगे हैं। इवन एक्सबॉक्स 1 में तो गेम मोस्टली लोडिंग पर ही स्टक हो जाती है। अगर आप भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट, ये सभी प्रॉब्लम्स न्यू अपडेट्स में फिक्स हो जाएंगी। इसकी जानकारी खुद बैटलफील्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दी है। अगर आप इस गेम की स्टोरी हिंदी में एंजॉय करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट न्यूज है एपेक्स लेजेंड डाउनफॉल की तरफ से कि इसी मंथ 2 जुलाई को एपेक्स लेजेंड का सीजन 2 लॉन्च हुआ है, बट गेमर्स इसको उतना लाइक नहीं कर रहे। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स कंपनी को बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं एंड पहले के कंपैरिजन में एपेक्स लेजेंड के डेली प्लेयर्स में भी काफी बड़ा डाउनफॉल आ रहा है। ये देखकर कंपनी प्लान कर रही है कि जल्द ही इसका सीजन 3 भी लॉन्च किया जाए जिसमें कुछ ऐसा हो जो गेमर्स को स्टक करके रख सके। नेक्स्ट बात करती हूँ रेज द रियान की तरफ से। गाइस, लास्ट ईयर जब मोस्ट अर्निंग यूट्यूब चैनल इन द वर्ल्ड का सर्वे हुआ था तो एक चैनल का नाम निकल कर सामने आया जिसका नाम है रियान टॉयज रिव्यू। डेफिनेटली आपने इस चैनल का नाम जरूर सुना होगा। रियान एक 8 साल का बच्चा है जो अपने चैनल पर टॉयज के रिव्यू करता है। 6 अक्टूबर 2011 को पैदा होने वाला ये बच्चा इतना लकी है कि इसके फेस एंड नेम को यूज करके एक कार्ट रेसिंग गेम बनाई गई है जिसका नाम है रेस विद रियान। इस गेम का अभी हाल में प्लेस्टेशन ऑफिशियल चैनल पर एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है। बताया जा रहा है कि ये गेम पीसी, PS4 एंड एक्सबॉक्स 1 पर इसी साल नवंबर में लॉन्च की जाएगी। गाइस, नेक्स्ट न्यूज है लास्ट ऑफ अस 2 के एडिशंस के बारे में। E3 के बाद सभी गेमर्स के मन में बस एक ही सवाल है कि लास्ट ऑफ अस 2 कब रिलीज होगी। लीक से पता चलता है कि फरवरी 2020 में सोनी इसका नेक्स्ट ट्रेलर लॉन्च कर देगी जिसे 4 एडिशंस में लॉन्च किया जाएगा। ये हैं स्टैंडर्ड, डिलक्स, अल्टीमेट एंड कलेक्टर्स एडिशन। इन सब के क्या प्राइस होंगे एंड इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये सब हम अपने चैनल पर आपको बताते रहेंगे। द लास्ट ऑफ 2 से जुड़े सभी सवालों के जवाब देने के लिए हम आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो जल्द ही लेकर आने वाले हैं। अगर आपके मन में भी इस गेम से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट ऑफ अस 2 का ऑफिशियल ट्रेलर हिंदी सबटाइटल्स के साथ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट न्यूज है रेड डेड रिडेम्पशन 3 की तरफ से कि हमारे पास कमेंट्स में बहुत सारे क्वेरीज रेड डेड रिडेम्पशन 2 के थर्ड पार्ट से रिलेटेड हैं। गेमिंग टॉक्स के इस वीडियो में हम क्लियर करना चाहेंगे कि रॉकस्टार का भी पूरा कॉन्सेंट्रेशन GTA 6 पर है जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो इसे 2020 तक नेक्स्ट जनरेशन कंसोल के साथ लॉन्च कर देंगे। सो अभी रेड डेड रिडेम्पशन 3 की कोई भी लीक नहीं आई है, बट पीसी गेमर्स के लिए गुड न्यूज है कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 उन्हें नेक्स्ट ईयर पीसी पर खेलने को मिल जाएगी। अगर आपकी भी गेमिंग से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं या आप किसी पर्टिकुलर गेम के बारे में अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट की पोस्ट या यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हम अपने अपकमिंग गेमिंग टॉक्स के एपिसोड्स में आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे। गाइस, आपको ये न्यूज कैसी लगी फटाफट से हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए एंड वेबसाइट पर भी विजिट जरूर कीजिए क्योंकि वहां आपको मिलती हैं PS4 एंड PC की लेटेस्ट गेम्स डाउनलोड करने के लिए बिल्कुल फ्री। इस वीडियो को आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से थैंक्स। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।